हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 11, पैरामीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। यहाँ पे रेडियस दी हुई है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर, सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, इसका फॉर्मूला है 2, पाई लेनी है 22/7 और r है 14, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 88 सेंटीमीटर। देन है 28 मिलीमीटर, सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, 2 × 22/7 × 28, 7 × 4 = 28, देन 22 × 2 × 4, 176 मिलीमीटर। ये थर्ड भी वैसे ही करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ए सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई है यहाँ पे 22/7, यहाँ में इसमें 22/7 लेनी है पाई। रेडियस है 14 मिलीमीटर, देखो, सो रेडियस 14 मिलीमीटर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला है पाई है 22/7 × 14 × 14, 7 × 2 = 10, 22 × 2 × 14 कितना आएगा? 616 मिलीमीटर स्क्वेयर। देन हमें दिया है डायामीटर 49 मीटर, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे, डायामीटर अपॉन 2, 49/2 मीटर। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर 22/7 × r है 49/2, 49/2, 7 × 7 = 49, 11 × 2 = 22, देन 11 × 7 × 49 करके उसे 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 1886.5 मीटर स्क्वेयर। ओके, और जो ये थर्ड वाला है ये आपको होमवर्क में करना है। उस क्वेश्चन 3 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सीट इज 154 मीटर, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सीट आंसर दिया है 154, फाइंड द रेडियस, उसके ऊपर से फॉर्मूला किस क्या है? 2πr, हम उसके ऊपर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट और देन एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सीट 154 मीटर, इसका फॉर्मूला है 2πr इज इक्वल टू 154, 2 × 22/7 × r फाइंड आउट करना इज इक्वल टू 154, r इज इक्वल टू 154, ये डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है। 22 को 7 से कट करते हैं, 22 × 7 = 154, सो 7749/2 मीटर। पॉइंट में करेंगे तो 24.5 मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कुलर सीट पाई आर स्क्वेयर, हम ये लेंगे रेडियस क्योंकि हमें कट करने में आसानी होगी, इसलिए पाई आर स्क्वेयर 22/7 × 49/2 × 49/2, 11 × 2 = 7, 7 =, तो यहाँ भी आपको यही करना है, 11 × 7 × 49/2 करोगे, यहाँ भी किया था आपने, तो यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? 1886.5 मीटर स्क्वेयर। उसके बाद है क्वेश्चन 4। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर, यहाँ पे डायामीटर है 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड बनाते हैं, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट इज कॉस्ट 4 रुपीज़ पर मीटर है, 4 रुपीज़ पर मीटर है, तो उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है, तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड की हमें सर्कमफेरेंसेस है उसके 2 राउंड है, तो सर्कमफेरेंसेस मल्टीप्लाई 2, देखो लेंथ ऑफ रोप नीडेड सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई 2 क्योंकि उस 2 राउंड करने, 2πr इसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 2, 2 × 22/7 और
यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है 21, तो रेडियस उसकी हाफ होती है 21 और डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 कट हो गया, 7 3 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 करोगे 132 आ जाएगा मीटर। अब क्या है, कॉस्ट 4 मीटर रुपीज़ है। सो कॉस्ट ऑफ रोप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई रेट, लेंथ कितनी है 132 और रेट कितना है 4, तो 132 मल्टीप्लाई 4 528 रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कुलर शीट की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल की 3 सेंटीमीटर है, इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो बाकी बचता है उसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो 4 है वो हम कैपिटल आर से करते हैं एंड ये जो है वो स्मॉल आर से करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट सीट में से एरिया माइनस एरिया ऑफ सीट रिमूव्ड, जो रिमूव करते हैं 3 मीटर था। सो आर इज इक्वल टू, ये कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वेयर, ये कैपिटल माइनस पाई आर स्क्वेयर। अब दोनों में पाई जो है वो कॉमन है, तो पाई और ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, पाई 3.14, आर है कैपिटल आर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3.14, 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 माइनस 3 3 9, 3.14 16 में से 9 माइनस करोगे 7, 3.14 मल्टीप्लाई 7 करोगे कितना आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, साधना वांट टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायामीटर 1.5 मीटर दिया है डायामीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर, उसके उसे कितनी लेंथ चाहिए होगी। तो यहाँ पे सर्कुलर है, सो लेंथ ऑफ लेस करेंगे पाई डी, क्योंकि हमारे पास डी है इसलिए, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15, अगर 1 मीटर की कॉस्ट क्या है 15 है, तो यहाँ पे जो आएगी उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ लेस पाई डी 3.14 लेनी है पाई मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1.5 कितना आएगा 4.71 मीटर। अब उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेस लेंथ मल्टीप्लाई रेट 4.71 मल्टीप्लाई 15 रुपीज़, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 70.65 रुपीज़, आपको मल्टीप्लाई करना है रफ पेज में, ठीक है। देन क्वेश्चन 7 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, यहाँ पे सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, सो इसका पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है, क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर व्हिच इज सेमी सर्कल इंक्लूडेड इट्स डायामीटर, इंक्लूड करके, तो पैरामीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का क्या है 1.5 पाई डी, क्योंकि यहाँ पे डायामीटर है 1 पाई डी अपॉन 2 प्लस डी करना है, डायामीटर ऐड करना है 22/7 पाई और डी है 10/2 प्लस डी ऐड करना है 10, सो 11 मल्टीप्लाई 10 110/7 प्लस 10/1, अब दोनों के डायमीटर सेम करते हैं, यहाँ पे 7 है यहाँ पे नहीं है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 प्लस 10/7 = 70 और 7, 110 प्लस 70 180/7, 180/7 करोगे कितना आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। ओके, सो जो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।